रहमानुर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर और आप देख रहे हैं तनवीर बाइक स्पेशलिस्ट चैनल। जैसा कि दोस्तों हमने दो तीन दिन पहले वीडियो अपलोड की थी सोलो प्लेटों के बारे में, तो उसके मतलब हमने आपको बताया था। तो उस वक्त काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स भी आए थे कि भाई इसकी जो फिटिंग है प्लेटों की, जो स्टैंड के ऊपर फिटिंग है उसका तरीक़ाकार में बताओ। तो आज हम प्लेटें लगाने लगे थे तो उसकी फ़िटिंग करने लगे, तो मैंने सोचा कि चलो साथ ही वीडियोज़ बना लें। तो जिन दोस्तों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती है उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन आप पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। ये हम दोस्तों तीन प्लेटें लगाएंगे, 280 वाट की प्लेट है। तो दोस्तों इसको अनबॉक्स हमने कर लिया है। जी तो दोस्तों सबसे पहले आपने इस तरह से एक चटाई नीचे बिछा लेनी है। हम यहाँ ये तीन प्लेटें फिट करने लगे हैं, तो इस तरीके से आपने तीनों प्लेटों को एक समत बिल्कुल इस तरीके से आपने जोड़ लेना है। उसके बाद इसकी जो ऊपर फ्रेम है वो लगाएंगे, उसका तरीका बताते हैं आपको। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गई फिटिंग। अच्छा, ये जो फ्रेम है ये हमने 14 गेज का लेना है एलडी का, और ये जो बड़ी प्लेटें होती हैं दोस्तों 580 वाट की या 575 वाट की, ये दोस्तों वो दो लगती हैं। ये जो 280 वाट की हैं ये इस पे तीन प्लेटें फिट आ गई, और इसका वज़न 10 किलोग्राम है। जब भी आपने लेना है 10 किलोग्राम वाला 14 गेज का फ्रेम लेना है आपने। तो अभी इसको बताते हैं आपको किस तरीके से इसकी फ़िटिंग करेंगे। ये तो दोस्तों ये इसके जो साथ में इस फिटिंग के साथ ही हमें बोल्ट मिले हैं, तो यही इसको लग जाएंगे। ये 12 नंबर की चाबी पाना आपकी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो अभी फ्रेम को रखते हैं। सबसे पहले आपने ये बड़ी जो एंगल ले लेनी है दोस्तों इस तरीके से। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये जो प्लेट है ये दोनों साइडों पर इस तरह से दो दो होल हैं। तो जो आपने अंदर वाला होल है उसे यहाँ इस तरीके से, ये पहली प्लेट का आ गया दोस्तों, इसी हिसाब से आपने यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों इसकी जो प्लेट की जो होल है उसको आपने यहाँ एक समत बराबर कर लेना है। इस तरीके से हमने एक फ्रेम रख लेना है, अभी दूसरा रखते हैं साथ ही। तो इसी तरीके से आपने दोस्तों अंदर की तरफ, अच्छा ये आपने मैंने पहले भी बताया था, गौर करना है कम से कम एक फुट का वाया आपने छोड़ के अंदर की तरफ लगानी है प्लेट। तो इस तरीके से आपने दोनों जो प्लेटें हैं दोस्तों लगा लेनी है। दोनों प्लेटों का यहाँ पर फ्रेम लग गया दोस्तों। तो अभी इसके जो नट बोल्ट है वो क्लियर करते हैं, बाकी फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इसके बोल्ट लगा लेने हैं, जल्दी जल्दी से मुकम्मल सारे बोल्ट लगाते हैं, बस यही तरीका है, बहुत आसान सा। जी तो दोस्तों ये आप देख रहे हो, इस तरीके से आपने ऐसे ही ये यहाँ इस तरीके से आपने इसके बोल्ट लगाते जाना है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपने, जैसे ये आपको बताइए इसकी तरतीब, आपने इस तरीके से इसके बोल्ट लगा लेने हैं। और एक जो मेन काम है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इन प्लेटों में दो लगाओ तीन लगाओ जितनी भी लगाओ, इनमें आपने कम से कम 2 इंच का आपने खला रखना है। वो इस वजह से कि खुदा ना खासा जैसे हवाएं आती हैं, अंधेरी वगैरह आती है, उससे ये कि जो हवा का क्रॉस है वो मिलता रहेगा प्लेटों को, वो प्लेटों की बचत रहेगी। तो अभी इसकी दूसरी फिटिंग लगाते हैं, तो फिर इसको मुकम्मल। तो ये दोस्तों ये जो नीचे वाली साइड है इसकी प्लेट की, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसकी वो लगाएंगे जो नीचे पैर आएगा, जिसको रावल बोल्ट के साथ लास्ट में आपको दिखाते हैं जैसे इसकी फिटिंग आएंगी। इस तरीके से आपने दोस्तों यहाँ इस पतरी को आपने इस तरीके से लगा लेना है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ नीचे वाला दूसरा भी लगा लेना है। ये साइड दोस्तों आएगी इसकी नीचे वाली तरफ। अच्छा, तो दोस्तों इसकी जो ऊपर वाली फिटिंग आती है जिससे हम एडजस्ट करते हैं प्लेट, मतलब कि अपने एंगल के हिसाब से खड़ी करने के लिए, तो ये चार पतरियाँ होती हैं उसकी, ये चार इसकी एंगलें होती हैं, दो होती हैं अंदर वाली और ये दो होती हैं बाहर वाली। इसकी यहाँ से हमने एडजस्ट करनी है, जितनी ऊपर प्लेट करनी नीचे करनी है आप वहाँ धूप के हिसाब से इसको आपने वहाँ एडजस्ट कर लेनी है। तो अभी इसकी फिटिंग करते हैं दोस्तों। ये तो दोस्तों आपने इस तरीके से दोनों अंदर वाली और बाहर वाला जो फ्रेम है इस तरीके से रख कर
ऐसे बोट लगा लेनी है दोस्तों इनको, और उसके बाद इसके जो पाँव पाँव की तरफ नीचे की तरफ आएंगे तो वो दोस्तों आपने इस तरीके से बोट दोनों लगा लेने हैं यहाँ। यहाँ दोनों साइडों पे इसी तरीके से हम दूसरी पत्री है वो भी लगाएंगे दूसरा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने यहाँ पर ये जो होल बना हुआ है ये देखो तकरीबन ये 2 फुट के फासले से एक साइड से बना हुआ है। तो यहाँ हमने ये जो इसका एंगल है इसको यहाँ पर बोल्ट लगाएंगे, तो इसी तरीके से दोस्तों आपने यहाँ दूसरा इसका एंगल लगा लेना है। या आप इसकी ये देखिए फिटिंग, इस तरीके से आपने दोस्तों इसका दूसरा एंगल है उसको लगाना है। तो दोस्तों यहाँ ये देख रहे हैं आप इस तरीके से इसकी जो मुकम्मल आपने यहाँ हमने इसका फ्रेम की जो फिटिंग है वो मुकम्मल कर ली है। तो एक बात मैं आपको लाजमी आपके जहन में शीक कर दूँ कि जब भी आपने अभी ये प्लेटें को उठाएँगे तो प्लेट को उठाने से पहले हमने यहाँ इसको ऐसे जो ये इसका फ्रेम है बंद कर देना है। इसी तरह से जैसे ये बंद किया दोनों को हमने यहाँ इसका जो फ्रेम है बंद करेंगे, क्योंकि अगर ये खड़ा रहा खुदा ना खासा तो ये मतलब कि ये नुकसान करेगा। इस तरीके से हमने इसको बंद कर देना है दोस्तों। तो अभी इसको हम फिर प्लेटों को उठाते हैं खड़ी करते हैं और जिस जगह पर एडजस्ट करनी है वहाँ लेके चलते हैं जी। तो दोस्तों आपने जब भी ऐसे फ्रेम लगा लेना है तो आपने प्लेटों को इस साइड से ऐसे इस तरीके से आपने इसको इनको मतलब कि खड़ा करना है। तो फिर इनको अभी लेके जाएंगे जहाँ फिटिंग करनी है और जो रावल बोल्ट वगैरह लगाने हैं उसके निशान वगैरह लगा के आपको वो भी बताते हैं उसकी फिटिंग कैसी है। तो यहाँ फिर काम मुकम्मल करते हैं चल जी। तो दोस्तों आपने इस एंगल से आपने प्लेटें इसकी जो खड़ी कर लेनी है, तो इसको अभी यहाँ पर हमने क्या करना है ये जो इसके जो नीचे वाले जो पाँव हैं उसके हमने यहाँ निशान लगा लेने हैं ताकि यहाँ हम रावल बोल्ट वगैरह लगा सकें। जैसे ये हमने यहाँ आगे लगा लेते हैं दोस्तों। ये निशान लगाने के बाद हम प्लेट को एक दफ़ा साइड पे करेंगे और यहाँ रावल बोल्ट लगाएंगे। तो यहाँ दोस्तों हम ड्रिल मशीन के साथ यहाँ होल करेंगे। इसी तरह से हमने जो इसके अभी होल है वो होल कर लेंगे। तो दोस्तों उसके बाद हमें 4 सूत्र का रावल बोर्ड लेना है। तो इस तरीके से हमने 8 के 8 जो रावल बोल्ट है हमने इस तरीके से लगा लेने हैं। ऐसे आपने अच्छी तरह से इसको मतलब वापस कसाई डालनी है ताकि जो इसका जो नेट है वो नीचे ना जाए। तो इस तरीके से आपने दोस्तों इसके रावल बोल्ट लगा लेने हैं सारे। तो दोस्तों फिर इस तरीके से हमने मुकम्मल जो चारों जो इसके एंगल हैं उनके अच्छी तरीके से आपने इसके बोल्ट जो टाइट कर देने हैं दोस्तों। तो यहाँ जो हमारी प्लेटों की फिटिंग हो गई मुकम्मल, अभी इसके कनेक्शन है वो उसके तरीके में आपको बताते हैं ये। तो दोस्तों यहाँ हमारी जो प्लेटों की वो इंस्टॉलेशन हो गई है मुकम्मल, अभी इसके कनेक्शन करते हैं और इसका तरीका आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये इसके प्लग हैं जो जमा माइनस वाले होते हैं, तो आप इनको कनेक्शन करेंगे वो आपको तरीका मुकम्मल इसका बताएँगे। तो दोस्तों आपने इस तरीके से जो प्लग है उसकी बैक साइड खोलनी है दोस्तों। तो ये यहाँ इसका आपने यहाँ इस तरीके से दोस्तों इसको अभी फ्रंट की तरफ से थोड़ी सी ताल को छील लेंगे। तो यहाँ हमने इसका ये जो पिन है वो लगा देनी है दोस्तों। तो यहाँ हमारा एक जो प्लग हो गया मुकम्मल, हमने इसी तरह से इसके जो चारों प्लग हैं वो लगाने हैं। तो यहाँ हमने ये हमारा एक यहाँ दोस्तों प्लग हो गया मुकम्मल।
तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो इसके प्लग हैं वो मुकम्मल सारे अच्छे तरीके से लगा लेने हैं। तो यहाँ ये हो गया हमारा एक प्लग मुकम्मल। इसी तरह से बाकी प्लग लगाते हैं। हमने प्लग लगा लिए हैं इसके, तो अभी इसको इसका जो कनेक्शन है वो आपको बताते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना कि जो हमने, क्योंकि ये डीसी सिस्टम चालू हो रहा है, तो इस पर हमने करना क्या है कि जो इसकी जो तीनों प्लेटों के जो जमा है पॉजिटिव तारे हैं वो आपने एक साथ करनी है, और जो नेगेटिव तारे हैं माइनस तारे वो आपने एक साथ करनी है। जैसे ये एक ही तार है, ये देखें आप, ये इसकी जो नेगेटिव तार है ये एक ये दो, इसी तार के साथ हमने तीनों प्लग लगा लिए हैं, क्योंकि तीन प्लेटें हैं, तीनों प्लेट को इसके कनेक्शन करते हैं। तो ये यहाँ ये दूसरा, जैसे वो प्लग लगा है ये इस तरीके से, अभी ये तीसरा भी लगाते हैं दोस्तों यहाँ इस तरीके से। हमने ये प्लग लगाने हैं तारे काट कर, क्योंकि अक्सर मैकेनिक होते हैं वो तारे काट कर जोड़ लगा देते हैं, उससे तो एक तो प्लेट की जो वारंटी है वो ख़त्म हो जाएगी, प्लेट की आपको वारंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास बहाना हो जाएगा कि लो जी इसके प्लग काटे हुए हैं। तो यहाँ हमारा ये काम हो गया मुकम्मल, इसके अभी जो पॉजिटिव है तारे वो लगा देते जी। तो दोस्तों आपको हमने इसकी मुकम्मल प्लेटों की इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बताया है कैसे इसकी फिटिंग है। तो हम इसी तरह रोज़ बा रोज़ एक वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक कर दे। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।